हेलो दोस्तों, अमृता किचन में आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया बिरयानी। ये बहुत टेस्टी होता है, खाने में और बनाने में तो बिल्कुल ईजी है। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली हूँ, इसमें ऐड करूँगी मैं तेल। आप चाहे तो यहाँ पे घी ऐड कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कुछ खड़ा मसाला, जीरा, छोटी इलायची, लवंग, दालचीनी। अब ये फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज। प्याज को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड करती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट तक और फ्राई होने देती हूँ, जिससे लहसुन और अदरक का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। अब इसमें ऐड करूँगी 2 हरी मिर्च। अब ऐड करूँगी 2 मैंने टमाटर कट की थी, 2 टमाटर। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसको कवर करके फ्राई करूँगी। एक बार और चला लेती हूँ। देखिए प्याज टमाटर पकने लग गए हैं। ऐसे ही इसको अच्छे से पकाऊंगी। अब इसमें थोड़ा कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, ये बिरयानी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला। आप अपने टेस्ट के अनुसार मसाला ऐड कीजिएगा। मैं तो थोड़ा थोड़ा ही ऐड की हूँ। और मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, जिससे इसमें कलर बहुत अच्छा है। लाल मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होता है ना कि कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए डालते ही कलर इसका चेंज हो गया। अब मैं इसको फिर से कवर करके पकाऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा नमक ऐड कर लेती हूँ स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अभी इसको कवर कर लेती हूँ। कवर करके इसको 2 से 5 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। इसका कलर देखिए कितना अच्छा चेंज होने लगा है और मसाले भी पक चुके हैं लगभग। टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें थोड़ा ऐड कर लेती हूँ मैं दही। दही ऐड करने से ना इसको स्वाद बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, नहीं पसंद है तो आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ भी नहीं, वैसे ही सिंपल सा बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे तो थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। अब इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए और पकने देती हूँ। वाह, इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है। अब इसमें ऐड करूँगी ये एक आलू मैंने कट कर ली थी, और इसमें ऐड करूँगी मैं सोयाबीन। देखिए इसको मैं गर्म पानी में ऐसे बॉईल कर ली थी, अच्छे से बॉईल भी हो गया था सोयाबीन। अब इसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। इसको कवर करके फिर 5 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे अच्छे से दही मसाले अच्छे से पक जाए। ये बनाना बहुत आसान है, प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।
देखिए अच्छे से पक गए हैं, इसका कलर भी आ गया है। और ये मैंने चावल ली थी, इसको 15 मिनट पहले मैंने धुल के रखी थी। अब इसके ऊपर ऐसे ही करके डाल लेती हूँ। वैसे नॉर्मल चावल से बना रही हूँ, आप बासमती चावल या जो भी यूज करते हैं उसी चावल से यूज कीजिएगा। हमने 1 गिलास चावल ली थी और देखिए 1 गिलास पानी, और थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। अब ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, देखिए इतना सा 1 गिलास और इतना। हमने 1 गिलास चावल ली थी इससे नाप के, ज़्यादा पानी ऐड करेंगे ना तो ये गीला सा हो जाएगा। अब इसको मैं कुकर को बंद कर लेती हूँ और 1 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए 1 सीटी हो गया है, इसको मैं अपने से सीटी निकलने देती हूँ तब खोलती हूँ इसको। सीटी पूरी तरह से निकल गया है, मैं इसको खोल लेती हूँ, खोल के दिखाती हूँ। वाह कितना अच्छा बना है, देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी मैं देखिए देखिए कितना टेस्टी है। थैंक यू सो मच वाचिंग के लिए, थैंक्स।